वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण। आप देखें टेकी प्रवीण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एपीआई टेस्टिंग की सीरीज में। और एग्जैक्टली आज हम बात करने वाले हैं मेवन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेवन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि वॉट इज मेवन एंड वाई वी आर यूजिंग इट, और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, मेवन क्या होता है, हम इसे क्यों यूज करते हैं और इसको यूज करने के फायदे क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मेवन, मेवन होता क्या है। तो अगर मैं इसकी एक डेफिनेशन की बात करूं तो मेवन की डेफिनेशन होती है, अपाचे मेवन इज अ बिल्ड ऑटोमेशन टूल यूज प्राइमरली फॉर जावा प्रोजेक्ट्स। मेवन कैन ऑल्सो बी यूज टू बिल्ड एंड मैनेज प्रोडक्ट इगेन इन सी शार्प, रूबी, स्केला एंड अदर लैंग्वेजेस दैट यूजेस पॉम मॉडल, यानी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, एंड दैट फॉलोज कन्वेंशन ऑफ सोर्स कोड, कंपाइलिंग कोड एंड सो ऑन इज कॉल्ड मेवन। रिपोजिटरीज आर यूज एंड इट इज मोस्टली कंसिडर्ड एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल एज इट कैन मैनेज ऑल द प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज एंड मेंटेनेंस। तो बेसिकली मेवन क्या है, मेवन एक बिल्ड ऑटोमेशन टूल है जो कि बेसिकली जावा में लिखा जाता है, और इसको बेसिकली सी शार्प, रूबी, स्केला जैसे लैंग्वेजेस के प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए भी यूज करते हैं, जो कि एक पॉम मॉडल को फॉलो करता है। पॉम मतलब प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल को, राइट। तो बेसिकली इसको यूज करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसको मेंटेन करने के लिए आप यूज करते हैं मेवन को, क्योंकि तो इसमें जो डिपेंडेंसीज है, जो रिपोजिटरीज है, वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि उसको सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है। अगर आप नॉर्मल कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें आपको सारी जार फाइल्स आपको एक एक करके आपको कॉपी पेस्ट करनी होगी, और अगर उसमें से एक भी जार फाइल ऊपर नीचे हो गई या फिर नहीं गई तो आपके प्रोजेक्ट में एरर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी एक pom.xml की तरह करके एक फाइल होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा इससे प्रीवियस जो API ऑटोमेशन में मैंने बनाया था वो। तो यहाँ पे देखिए pom.xml है, राइट। इसमें बस मुझे डिपेंडेंसीज को कॉपी पेस्ट करना है, और डिपेंडेंसीज कहाँ से मिलती हैं, मेवन की वेबसाइट पर, मेवन की रिपोजिटरी। मेवन की रिपोजिटरी आप खोलेंगे, उसके बाद आपको जो भी आपको डिपेंडेंसीज चाहिए आप यहाँ पे सर्च करेंगे। मैं मान लीजिए कर रहा हूँ सिलेनियम, तो आपको यहाँ पे इसकी रिपोजिटरी मिल गई। ये इसके सारे ही वर्जन हैं जो इसने लॉन्च किए गए हैं मेवन के द्वारा, और ये है यूसेज, कौन सी वर्जन स्टेबल है कौन सा नहीं है। तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप क्लिक करेंगे, बस आपको ये कॉपी करना है और अपने XML फाइल में, pom.xml में ला के पेस्ट करना है और इसे सेव कर देना है। बस आपका साइड डिपेंडेंसीज को वो खुद का खुद आपके प्रोजेक्ट में डाउनलोड करके डाल देगा। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक उसे डालता रहता है, राइट। सो आपका ये है एक सिंपल मेवन की एक डेफिनेशन की एक अपाचे मेवन क्या है, एक बिल्ड ऑटोमेशन टूल है जो कि आपके प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, इसे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल भी कहते हैं, राइट। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है, मेवन को यूज करने के बेनिफिट्स क्या है। तो पहला बेनिफिट है ईज द बिल्डिंग प्रोसेस फॉर एनी ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर एनी प्रोजेक्ट। किसी भी आपका जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसको बिल्ड करने का तरीका थोड़ा सा आसान तरीके से आपको ये बनाने में हेल्प करता है। मेवन लेट्स यू गेट योर पैकेज डिपेंडेंसीज ईजली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको बस pom.xml में जाके कॉपी पेस्ट करना है, आपकी सारी रिपोजिटरीज, आपकी सारी डिपेंडेंसीज आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। इट मेंटेन्स अ यूनिफॉर्मिटी अलॉन्ग द एंटायर बिल्ड प्रोसेस। तो ये एक प्रॉपर तरीके से एक यूनिफॉर्म बेसिस पे एक अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट को मैनेज करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट दैट वी आर वर्किंग ऑन इट, प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रोजेक्ट। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप देखते हैं एक बार, जैसे लेट्स से मैं अपने प्रोजेक्ट को देखता हूँ, तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपका पैकेज क्या है, आपका SRC में जावा कहाँ रखा हुआ है, कौन सी फाइल कहाँ पर रखी हुई है। ये सब चीज़ें एक तरीके से बहुत आसानी तरीके से बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। ऑफन इन अ प्रोजेक्ट इट इज रिक्वायर्ड टू माइग्रेट टू न्यू फीचर्स एंड विथ मेवन द माइग्रेशन इज सिंप्लीफाइड। आपको आप ये प्रोजेक्ट किसी और को देना चाहें तो आप किसी और को भी बहुत ईजी दे सकते हैं, वो कंट्रोल एस करेगा, सेव करेगा और उसके सारे कंप्यूटर में, सारे लैपटॉप्स पे वो डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिक
सेव हो जाएंगी। तो इसको किसी को ट्रांसफर करना भी बहुत आसान होता है इसको। अब why should we use Maven, right? तो ये benefits तो हो गए इसके, अब हमें इसे use क्यों करना चाहिए? दोनों ऐसे लगभग देखा है सिमिलर चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी है इसमें कि हमें यूज़ क्यों करना चाहिए। तो बेनिफिट्स हो गया, अब हमें यूज़ क्यों करना चाहिए? तो यह इट इज़ बिल्ट टूल विच अलाउज जनरेटिंग लाइब्रेरीज लाइक द जार फाइल, बट द कोड इज इट कोड इज पैक्ड इन टू अ डिस्ट्रीब्यूटिवली लाइब्रेरी, राइट? तो क्या होता है कि ये आपके एक ये जो है एक बिल्ट टूल है जो कि एग्जैक्टली एक लाइब्रेरी को जार फाइल को लाइब्रेरी को क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है। बींग सेकेंड है बींग अ डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल, द ऑप्टेनिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ डिपेंडेंसी इज चेंज देन हाउ वी डील विद देम इन जनरल। तो मेवन के आने से क्या हुआ कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपको बताया है कि वही pom.xml है। तो पहले हम हर चीज़ को बार बार उसको कॉपी पेस्ट करते थे, डाउनलोड करते थे, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट में उसको एक एक करके वन बाय वन उसे इम्पोर्ट करते थे। लेकिन pom.xml से क्या होगा, एक बार आपने कर लिया आपको बहुत ईजी तरीके से कॉपी पेस्ट करके आपने डाल लिया उसको, और उसको मेंटेन करना है बहुत आसान हो गया। अनदर फीचर ऑफ मेवन, इट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। दिस सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन लाइक द नेम ऑफ द वर्जन कुड बी इंक्लूड एज मेवन, दस द जनरल ऑफ ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट कुड बी एक्वायर्ड फ्रॉम इट। अब देखिए इसमें क्या है कि एग्जैक्टली आपका जो ये एक वर्जन कंट्रोल भी होता है, मतलब आप इसमें अपने जो रिलीज करते हैं आप उसके वर्जन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें वर्जन मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं इसमें। बींग अ कमांड लाइन टूल, ऑल इंस्ट्रक्शंस इन इट नीडेड टू बी पास थ्रू द कमांड प्रॉम्प्ट एंड इट वुड परफॉर्म अ सेट टू टास्क टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट। एडिशनली सेवरल आईडीज लाइक एक्लिप्स कुड ऑल्सो बी यूज फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशन यूजिंग मेवन, राइट? तो एक कमांड लाइन टूल इसमें यूज होता है, आप इसे कमांड लाइन से ऑपरेट कर सकते हैं, इसमें सारी इंस्ट्रक्शन को आप कमांड प्रॉम्प्ट से टोटली कंट्रोल कर सकते हैं। इक्लिप्स में सपोर्ट करता है आपका सेवरल आईडीज लाइक इक्लिप्स हो गया आपका, आपके इंटेल जे हो गया, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन यूजिंग मेवन। मेवन इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, कुड ऑल्सो बी यूज फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशन यूजिंग मेवन। तो इसके अंदर इक्लिप्स हो गया और आपके इंटेल जे साइन हो गए, इन सभी में आप मेवन प्रोजेक्ट को बहुत ही ईजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है और ये जो वीडियो है ये गुड टू नो है। मुझे पता है कि मेवन की जब मैंने बनाई थी आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखाया था सिलेनियम में, तो मैंने मेवन में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन ये थोड़ा डिटेल वर्जन में है ताकि आप जब इंटरव्यू में जाएं तो आपके पास कुछ पॉइंट्स हो इंटरव्यूअर को बताने के लिए, उसे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये वीडियो जो है ये मस्ट टू नो नहीं है, ये गुड टू नो है। मतलब अगर आप इसे जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो भी आपके पास दो चार पॉइंट्स होते हैं जो आप इंटरव्यूअर में बता सकते हैं, लेकिन अगर आप काफ़ी डिटेल वर्जन में बताएंगे इंटरव्यूअर को तो इंटरव्यूअर आपसे ज़्यादा इंप्रेस होगा और ज़्यादा डिटेल नॉलेज आप में दिखेगी, ठीक है? आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको इसमें क्या डाउट है। मुझे बेहद खुशी होगी आपके लिए नया वीडियो बना के आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। धन्यवाद।